हम लोग क्रिटिसिज्म के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आए ये प्रश्न देखें और इनके बारे में अध्ययन करें, गहनता से विचार करें। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द कंट्री एंड द सिटी। द कंट्री एंड द सिटी को किसने लिखा? तो इसका आंसर है रेमंड विलियम्स, 1921-1988। रेमंड विलियम्स जो कल्चर स्टडी के महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं, ब्रिटिश स्कॉलर हैं, उन्होंने द कंट्री एंड द सिटी नामक पुस्तक लिखी है। सेकंड क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग टर्म को किसने गढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग टर्म को रेमंड विलियम्स 1921-1988 ने गढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग जो टर्म है ये रेमंड विलियम्स का महत्वपूर्ण योगदान है। थर्ड क्वेश्चन, इज अ न्यूमेनोन NOUMENON डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन परसेप्शंस। यानी जो न्यूमेनोन है, क्या हमारे अनुभवों पर आधारित है? ह्यूमन परसेप्शन पर क्या न्यूमेनोन आधारित है? तो न्यूमेनोन और फिनोमेनन ये टर्म्स हुसेरल ने फेमिनोलॉजी में दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा न्यूमेनोन हमारे परसेप्शंस पर आधारित नहीं है। A noumenon is a thing that exists independent of perceptions and human senses. यानी human senses और perceptions से noumenon स्वतंत्र होता है, independent of होता है, उस पर आधारित नहीं होता है। चौथा हमारा प्रश्न है, who gave the term trace? Trace टर्म किसने दिया है? तो ट्रेस टर्म जॉक डेरिडा ने दिया है। और बिकॉज ईच एलिमेंट गेन्स इट्स आइडेंटिटी विद रेफरेंस टू अदर एलिमेंट्स विद इन अ स्ट्रक्चर। यानी कोई भी चीज है तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो संरचना होती है, उसमें समाहित जो दूसरे चीज़ें होती हैं उनसे उसकी पहचान होती है। तो कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे अवशेष होते हैं, बहुत सारी पूर्व की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जो है जो चीज़ें होती हैं जो कि स्पेक्ट्रल या गोस्ट लाइक होती हैं, तो उनको ट्रेसेज कहते हैं। इट कैरीज अ स्पेक्ट्रल गोस्ट लाइक प्रेजेंस, तो इसे हम ट्रेसेज कहते हैं। ट्रेसेज जॉक डेरिडा का महत्वपूर्ण जो टर्म है। फिफ्थ क्वेश्चन, हु डेवलप्ड अ टेक्निक कंट्रापंटल रीडिंग। तो कंट्रापंटल रीडिंग जो है ये एडवर्ड सईद की जो कॉलोनियल डिकोलोनाइजेशन वाली थ्योरी है तो उसमें आता है, उनकी जो बुक ओरिएंटलिज्म है। तो आंसर होगा एडवर्ड सईद, कंट्रापंटल रीडिंग एडवर्ड सईद। हु रोट द बुक कल्चर एंड सोसाइटी 1789
1950, तो कल्चर एंड सोसाइटी 1780 1950, इसे रेमंड विलियम्स ने लिखा है। कल्चर एंड सोसाइटी 1780 1950, इसे रेमंड विलियम्स ने लिखा है। और 1780 1950 इस पुस्तक का हिस्सा है। 1780 1950 इस पुस्तक का हिस्सा है। जैसा रेमंड विलियम्स ने स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग लिखा हुआ है, रेमंड विलियम्स ने द कंट्री एंड द सिटी लिखा हुआ है। रेमंड विलियम्स 1931 में पैदा हुए थे और 1988 में इनका निधन हुआ था। ये एक कल्चर स्टडी के महान ब्रिटिश स्कॉलर हैं। तो कल्चर एंड सोसाइटी 1780-1950 ये रेमंड विलियम्स की कृति है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वाज स्टुअर्ट हॉल बोर्न। तो कल्चर स्टडी के एक और महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं स्टुअर्ट हॉल। तो स्टुअर्ट हॉल कहाँ पैदा हुए थे? स्टुअर्ट हॉल जमैका में पैदा हुए थे। तो आंसर होगा इनकोडिंग डिकोडिंग इन द टेलीविजन डिस्कोर्स 1973। इनकी प्रसिद्ध किताब है इनकोडिंग डिकोडिंग इन द टेलीविजन डिस्कोर्स 1973, और ये पैदा हुए थे जमैका में। वेस्ट इंडियन कंट्री है जमैका। तो स्टुअर्ट हॉल वाज बोर्न इन जमैका। इट है हु क्वाइंड द टर्म कार्निवेलेस्क। तो कार्निवेलेस्क एक बहुत ही प्रसिद्ध टर्म है। इसमें ये होता है कि कोई नावल है या कोई रचना है, उसमें जो पात्र होते हैं वे स्वतंत्रता से व्यवहार करते हैं। जैसे कार्निवल होता है तो उसमें कोई व्यक्ति भिखारी बन जाता है, कोई राजा बन जाता है, वो फैंसी ड्रेसेज होते हैं। तो उसमें होता यह है कि लोग अपने स्तर से आगे बढ़ जाते हैं या स्तर की अवधारणा से अपने को अलग कर लेते हैं। तो कार्निवलिस्क कार्निवल, तो इसको बाख्तिन ने दिया था। कार्निवलिस्क वाज गिवन बाई बाख्तिन, BAKHATIN बाख्तिन। और इस सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का उत्सव होता है, इक्वलिटी एंड एबंडेंस। तो कार्निवलिस्क जो है ये इक्वलिटी बराबरी समानता और एबंडेंस अधिकता को प्रदर्शित करता है। कार्निवलिस्क बाख्तिन सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी एंड एबंडेंस। 9th क्वेश्चन है इमोटिव यूज इज द लैंग्वेज ऑफ --। तो इमोटिव यूज, भाषा का इमोटिव यूज, ये IA रिचर्ड्स की देन है। तो IA रिचर्ड्स ने बोला था कि जो पोएट होते हैं वे भाषा का इमोटिव यूज करते हैं, उसमें रीडर अपनी इमेजिनेशन के आधार पर अर्थ निकाल सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस की तरह अर्थ नहीं होता है। तो इमोटिव यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ, तो ये होगा पोएट। आंसर प्रपोज्ड बाई ए रिचर्ड्स, प्रपोज्ड बाई IA रिचर्ड्स, इमोटिव यूज इज द लैंग्वेज ऑफ पोएट। द टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। तो IA रिचर्ड की एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसे 1924 में लिखा था। और इसी में उन्होंने भाषा के दो उपयोगों का वर्णन किया है। तो उसी में से एक उपयोग है द इमोटिव यूज। 10वां प्रश्न है थॉमस एडोर्नो बिलोंग्स टू, तो थॉमस एडोर्नो किससे संबंधित थे?
टॉमस एडोर्नो एक प्रसिद्ध कल्चरल स्टडी के स्कॉलर हैं। तो टॉमस एडोर्नो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित थे। टॉमस एडोर्नो ने कम्युनिटी फेटिसिज्म और कल्चर इंडस्ट्री दो महत्वपूर्ण टर्म्स दिए हैं, यानी कई टर्म्स इन्होंने दिए हैं, उनमें से दो टर्म्स हैं कम्युनिटी फेटिसिज्म एंड कल्चर इंडस्ट्री। टॉमस एडोर्नो गेव टर्म्स कम्युनिटी फेटिसिज्म एंड कल्चर इंडस्ट्री। एलेवेंथ क्वेश्चन है, हु रोट पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, यानी पॉलिटिकल अनकॉन्शियस ये किसने लिखा है। एक पुस्तक है और एक टर्म भी है। तो इसे फ्रेडरिक जेम्सन ने लिखा है। फ्रेडरिक जेम्सन अमेरिकन कल्चर स्टडी के स्कॉलर हैं। तो फ्रेडरिक जेम्सन रोट पॉलिटिकल अनकॉन्शियस। फ्रेडरिक जेम्सन आल्सो रोट अ बुक पोस्ट मॉडर्निज्म और कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। तो फ्रेडरिक जेम्सन ने किताब और लिखा है पोस्ट मॉडर्निज्म या कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। तो उनका लेट कैपिटलिज्म से संबंधित जो अध्ययन है, जो व्याख्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। 12th क्वेश्चन है, व्हेन डिड ऑकर द सेकेंड फेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी जो कैपिटलिज्म का जो दूसरा फेज है वो कब आता है। तो फ्रेडरिक जेम्सन ने कैपिटलिज्म के तीन फेजेस बताए हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कैपिटलिज्म पूंजीवाद की जो दूसरी प्रवस्था है, सेकेंड फेज है, वो कब आता है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक जेम्सन। आंसर, इट हैपेंड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। तो जो कैपिटलिज्म का जो दूसरा फेज है वो मॉडर्न पीरियड में आता है। इट हैपेंड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। मोनोपोली कैपिटलिज्म, ओनली फ्यू कंट्रीज वर डोमिनेटिंग द मार्केट, वन कंपनी फॉर वन प्रोडक्ट। तो जो कैपिटलिज्म का जो सेकेंड फेज है वो मोनोपोली कैपिटलिज्म है, यानी मार्केट पर कुछ कंपनियों की मोनोपोली होती है और वही उस प्रोडक्ट का, उस उत्पाद को पैदा करती हैं, उत्पादित करती हैं, जिससे उनका एकाधिकार होता है। तो इसे सेकेंड फेज ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं, जो कि मॉडर्न पीरियड में है। थर्ड फेज ऑफ कैपिटलिज्म मॉडर्निस्ट पीरियड में आएगा और फर्स्ट फेज ऑफ कैपिटलिज्म विक्टोरियन पीरियड में होगा। तो सेकंड फेज ऑफ कैपिटलिज्म मॉडर्न पीरियड, मोनोपोली कैपिटलिज्म, फ्रेडरिक जेम्सन। 13, हु रोट व्हाट इज एन ऑथर 1969। तो व्हाट इज एन ऑथर 1969 एक प्रसिद्ध निबंध ऐसे है जिसे मिशेल फूको ने लिखा है। मिशेल फूको 1926-1984। तो जो व्हाट इज एन ऑथर है 1969 का, ये मिशेल फूको ने लिखा हुआ है। दरअसल बोलते हैं, कहते हैं कि जो बार्थीस थे उनका द डेथ ऑफ एन ऑथर की प्रतिक्रिया में व्हाट इज एन ऑथर मिशेल फूको ने लिखा था। 14th प्रश्न है, हु रोट द बुक टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक, टू 1966, टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक, इसे महान कवि और आलोचक टीएस इलियट ने लिखा था। तो टीएस इलियट ने लिखा है टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक 1966। टीएस इलियट ने कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव
टीएस इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक टर्म दिया है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में टीएस इलियट का दिया हुआ टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इसी तरह टीएस इलियट का एक और प्रसिद्ध टर्म है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उन्होंने द मेटाफिजिकल पोएट्स में दिया है। तो टीएस इलियट का एक आर्टिकल है द मेटाफिजिकल पोएट्स, उसमें उन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म दिया है। 15th और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म क्या है? तो एक्सप्रेशनिज्म जो इमोशंस हैं उनको ऑब्जेक्टिव सोचने की जगह पर, वस्तुनिष्ठ सोचने की जगह पर उनका सब्जेक्टिव जो है सोचना होता है, जिससे वे विकृत भी हो सकते हैं, वे जो है मेटाफोरिकल यानी रूपक के रूप में भी हो सकते हैं। तो व्हाट इज एन एक्सप्रेशनिज्म, जर्मनी में टर्म जो है प्रारंभ हुआ था। दिस टर्म रेफर्स टू अ मॉडर्निज्म, मॉडर्निस्ट मूवमेंट दैट ऑकर्ड इन जर्मनी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो जर्मनी में शुरुआती जो 20वीं शताब्दी में ये टर्म आया था एक्सप्रेशनिज्म। द आर्टिस्ट ऑथर और पेंटर डज नॉट डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो इसमें जो आर्टिस्ट होता है, चाहे वो ऑथर हो चाहे पेंटर हो, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं करता है, वरन वो सब्जेक्टिव रियलिटी को डिस्क्राइब करता है, तो वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं सोचता है। द आर्टिस्ट इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द इनर एक्सपीरियंसेस। द आर्टिस्ट इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द इनर एक्सपीरियंसेस। ही लाइक्स टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस रादर देन फिजिकल रियल्टी। तो जो आर्टिस्ट होता है, जो ऑथर होता है, वो फिजिकल रियल्टी की जगह पर इमोशनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। तो यदि वह फिजिकल रियल्टी को व्यक्त करता तो वो ऑब्जेक्टिव होता, लेकिन फिजिकल रियल्टी की जगह पर इमोशनल एक्सपीरियंसेस को व्यक्त करता है तो वो सब्जेक्टिव होता है। तो उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो सब्जेक्टिव होती है और भावनात्मक होती है, उसके अनुभव जो हैं भावनात्मक अनुभव होते हैं, जो यथार्थ अनुभव होते हैं उसकी जगह पर वो भावनात्मक अनुभवों को व्यक्त करता है एक्सप्रेशनिज्म में। द आर्टिस्ट हैज हिज हर पर्सनल विजन ऑफ द वर्ल्ड एंड ही सी लाइक्स टू प्रोजेक्ट दिस पर्सनल विजन। तो वह जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस को व्यक्त करता है, उसके इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं, भावनात्मक अनुभव होते हैं, तो निश्चित है कि ये क्या होता है, उसका वैयक्तिक दृष्टिकोण होता है, पर्सनल विजन होता है। तो अपने पर्सनल विजन को व्यक्त करता है। ओ नील्स द हेरी एप इज एन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले। तो एक अमेरिकन प्ले राइट हैं ओ नील, तो उनका एक प्ले है, एक नाटक है द हेरी एप। तो जो द हेरी एप है ए एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है, तो इसमें एक्सप्रेशनिज्म का प्रयोग किया गया है। तो द हेरी एप में कई दृश्य आते हैं जो अवास्तविक लगते हैं, तो वास्तव में वे दृश्य क्या होते हैं, एक्सप्रेशनिस्टिक जो है प्रेजेंटेशन होते हैं, यानी उसमें एक्सप्रेशनिज्म को प्रदर्शित किया जाता है। आपने इसे इतने ध्यान से सुना।
तो मुझे लगता है आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। यदि आप इससे लाभान्वित हों तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यदि कोई आपकी जिज्ञासा हो या आप कोई अपनी विचार रखना चाहते हो तो उसे कमेंट्स में अवश्य रखें। हमें उन्हें पढ़ करके बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।